हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि फोर टाइप की केमिकल रिएक्शन यहाँ पर ईथर शो करता है। एक तो एथिल ग्रुप की रिएक्शंस, एक ऑक्सीजन पर लोन पेयर वाली रिएक्शन, एक आपका CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन और एक अन्य अभिक्रिया। तो हम पढ़ रहे थे सेकेंड टाइप की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर भाग लेता है, और उसके अंदर हमने पहली पढ़ ली थी जब ईथर को हम खुला रखें थोड़ी देर के लिए, और ईथर को हम खुला रखें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। तो ये पहली रिएक्शन थी, और पहली रिएक्शन की दोनों कंडीशन हमने डिस्कस कर ली थी। आज स्टूडेंट्स हम रिएक्शन सेकंड पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, यानी कि ऑक्सोनियम लवण का बनना। इसमें भी ऑक्सीजन का लोन पेयर भाग लेता है, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन का लोन पेयर भाग लेता है। तो चलिए हम यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर इस तरह लिख रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, C2H5O C2H5, ऑक्सीजन के लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं। और जब हम कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ ईथर की रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 में से H+ और HSO4- हम सब जानते हैं ये निकलता है, लेकिन ये कंसेंट्रेट H2SO4 है बच्चों। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि कंसेंट्रेट H2SO4 का मतलब है कि वहां पर H2SO4 की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा H2SO4 यहाँ पड़ा हुआ है। तो H2SO4 के दो मोल मैंने यहाँ पर लिए, यानी कि H2SO4 H2SO4 से जुड़ रहा है। तो वहां पर आपको क्या क्या ऑक्टेन होता है देखिए आपस में, एक तो ऑक्टेन होता है SO3 जो कि न्यूट्रल होता है, एक ऑक्टेन होता है HSO4-, और एक ऑक्टेन होता है H3O+। माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक माइनस नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन, एसिड के अंदर हमेशा हमें नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर मिलेंगे। तो देखो SO3, HSO4- और H3O+, ये H3O+ तो अपने आप में H+ है, ठीक है, जो कि हमारे ईथर के साथ मिलकर आपको ऑक्सोनियम देता है। ऑक्सोनियम होता क्या है मैं समझाता हूँ आपको, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज का आना ही ऑक्सोनियम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज का आना क्या होता है, ऑक्सोनियम, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास H2SO4 से तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, SO3, HSO4- और H3O+। तो जब हम सबसे पहले SO3 की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो चलो यहाँ देखो आप, C2H5O C2H5 कंसेंट्रेट H2SO4, कंसेंट्रेट H2SO4 ने आपको H+ प्रोवाइड करवाया, वो H+ H2O के साथ मिलकर H3O+ बनाता है, ठीक है। तो उस H+ ने आपके ऑक्सीजन पर अटैक कर दिया, मैं यहां समझाता हूं, ये रहा H+, ठीक है। तो इस H+ को ये लोन पेयर दिए जाएंगे, जब ये लोन पेयर ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है पूरी तरीके से, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और प्लस चार्ज किस पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो इस तरह ये बनाएगा डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम आयन, क्या बनेगा ये डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम आयन। वापस सुन लीजिए, H के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, H के पास प्लस चार्ज था, इसलिए ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर H को दिया, और लोन पेयर देने की वजह से ऑक्सीजन पर कमी आ गई, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब H2SO4 ने अपना H+ दे दिया, ऑक्सोनियम बना दिया, H2SO4 के पास बचता है HSO4-, क्या बचता है HSO4-। तो चलिए अब आपके पास ये जो बना है, व्हाट इज दिस, ये क्या काम करेगा, चलिए आगे चलते हैं। ये जो बना है वो आपका SO3 से रिएक्शन करेगा, और यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, SO3 आपके इस H के पास जाकर जुड़ता है और ये बना देता है SO3H, क्या बना देता है SO3H, दिस इज द SO3H। क्या है ये है आपका डाई एथिल ईथर सल्फोनियम आयन, इसको बोलते हैं डाई एथाइल सल्फोनियम आयन, डाई एथाइल सल्फोनियम आयन ये बन जाता है। जैसे ही डाई एथाइल सल्फोनियम आयन बनता है, आप फिर से समझेंगे, SO3 आपका जाएगा इस जगह अटैक करेगा, तो SO3H बन जाएगा, ये आपका SO3H बन गया, रीअरेंजमेंट होता है जिससे ये SO3H बनता है। अभी भी ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन का प्लस नहीं हटा है। तो देखिए डाई एथाइल सल्फोनियम आयन बन गया,
अब इन दोनों में से कोई सा भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इस प्लस को खत्म करना है। तो यहां से मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए ये वाला जो बॉन्ड है, ये या ये कोई सा भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा और अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए, तो आपके इथाइल ग्रुप पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास बन जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव, और इसके पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, जिससे इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव खत्म होते ही आपके पास बनता है C2H5OSO3H, और इसको अगर आप गौर से देखो तो ये है आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। SO3H में एक O और मिल गया तो ये बन गया HSO4। इसको गौर से देखो, इसको हम बोल सकते हैं HSO4, इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फेट। तो दिस इज द इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। तो बच्चों इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी भी आपके पास एक HSO4 माइनस बाकी है और एक केटायन अभी भी बन रहा है। तो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक और बना देंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो कुल मिला के एक बात समझ में आ गई कि जब ईथर की रिएक्शन कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ कराई जाती है तो नॉर्मल टेम्परेचर हो या कोई सा भी टेम्परेचर हो, उस पर आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपके इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कितने बनेंगे? दो मोल बनेंगे, एक यहां बन गया एक यहां बन गया, ठीक है बच्चों। तो ईथर की रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ कराते हो तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और वो भी कितने मोल बनते हैं? दो मोल बनते हैं। ये पूरी आपकी प्रोसेस है, ठीक है। एक मोल के साथ कराओगे एक मोल बनेगा, दो मोल के साथ होती है कंसेंट्रेट H2SO4 है, इसलिए यहाँ पर दो मोल आपके इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बने हैं। फर्स्ट मोल ये रहा, एक मोल ये रहा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, ये रहा आपका ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सेकंड का फर्स्ट है, अब सेकंड का सेकंड हम देखते हैं, ठीक है। देखो हम सब जानते हैं कि ईथर के लोन पेयर, ईथर के ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, ईथर के ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, ये रहा आपका ईथर और इसके ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर किसी दूसरे को प्रोवाइड करवा सकता है। तो ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर देती हैं, लोन पेयर दाता होती हैं, उन्हें हम लुईस क्षार कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? लुईस क्षार। जैसे NH3 अमोनिया, अमोनिया क्या है? लुईस क्षार है, क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर दे सकता है। इसी तरह ईथर का ऑक्सीजन लोन पेयर दे सकता है, तो ये लुईस क्षार की तरह काम करेगा। और जब ये लुईस क्षार है तो इसकी रिएक्शन लुईस क्षार लेविस बेस, इंग्लिश में कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लेविस बेस, ठीक है। तो लेविस बेस है ये, तो लेविस बेस है इसका मतलब लोन पेयर दे सकता है। लोन पेयर देगा किसको? देगा एसिड को। तो हम किसी एसिड की इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो पहले एसिड की रिएक्शन कराई हमने H2SO4 की, अब हम करा रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। तो यहां भी बच्चों क्या होगा, बहुत ही सिंपल बता रहा हूं, लोन पेयर दिया जाएगा H+ को, और जैसे ही लोन पेयर H+ को दिया जाएगा वही ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन में लोन पेयर दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर मैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना लगा करके पूरे के ऊपर लगाता हूं तो भी एक ही बात, तो मैंने इसके पॉजिटिव को यहां ना दिखा करके यहां दिखा दिया तो इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो पॉजिटिव है वास्तव में किसका है? ऑक्सीजन का है। साथ में अभी भी आपके पास Cl- बचता है जो ऐसे कैसे आपके पास जुड़ जाता है। तो ये आपका नाम बन जाएगा इसका डाई इथाइल ऑक्सोनियम, लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्लोराइड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। अगर ये क्लोराइड नहीं हो, अगर इसको नहीं लिखो तो फिर ये प्लस चार्ज बाकी रहेगा, और इसे बोलेंगे डाइथाइल ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलेंगे? डाइथाइल ऑक्सोनियम आयन, क्लोराइड नहीं बोलेंगे। लेकिन चूंकि HCl के साथ रिएक्शन कराएगी आपने इसलिए, और देखो प्लस माइनस फिर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह ये सॉल्ट बनता है डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो ये था आपका आपका रिएक्शन नंबर ऑक्सीजन के लोन पेयर वाली रिएक्शन सेकंड। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर वाली रिएक्शन थर्ड, जैसा कि आपको बताइए लेविस एसिड की तरह काम करता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं,
जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो लेविस एसिड की तरह काम करते हैं, जैसे BF3, बोरोन ट्राइक्लोराइड, AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये ऐसी स्पीसीज है जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेंट इनकम्प्लीट होता है, केंद्रीय धातु परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ ए हो गया, बी हो गया, अब इसका हम सी पढ़ रहे हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट कहीं, इसका हम पढ़ेंगे सी। देखो सी रिएक्शन विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं लेविस एसिड, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज के साथ अभिक्रिया, यानी कि लुईस अम्लों के साथ। ये लुईस अम्ल थोड़ी था, अब हम लुईस अम्लों के साथ करा रहे हैं, लुईस अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो ये रहा आपका CH3CH2O CH2CH3, दिस इज द डाई एथाइल ईथर। मैं इसको इस तरह लिख देता हूं समझाने के लिए ताकि आपके समझ में आ जाए, CH2CH2CH3 डाई एथाइल ईथर। ये रहा एक लोन पेयर, ये रहा दूसरा लोन पेयर, ठीक है। अब मुझे इसकी रिएक्शन करानी है BF3 के साथ। इसके पास लोन पेयर है तो ये काम करेगा किसकी तरह बच्चों, ये काम करेगा लेविस बेस की तरह, लुईस चार की तरह, ठीक है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये काम करेगा लुईस अम्ल की तरह। तो अम्ल चार रिएक्शन होगी, ये अपना लोन पेयर पूरी तरीके से बोरोन को देगा, तो आपके पास बन जाता है C2H5O, नीचे भी C2H5। इसने लोन पेयर दे दिया पूरी तरीके से, तो जब लोन पेयर पूरी तरीके से दिया जाता है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, उपसहसंयोजी बंध। ये अभिक्रिया का चिन्ह नहीं है, ये उपसहसंयोजी बंध है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये शो करता है कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर पूरी तरीके से दे दिया है। तो यहां पर आपके पास फिर आ जाएगा BF3, ठीक है, और इसका नाम बन जाएगा बच्चों बोरोन ट्राइफ्लोराइड एथरेट, बोरोन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट, ईथरेट, ठीक है, इसे बोलते हैं बोरोन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट, ओके। और ध्यान रहे ये रिएक्शन का साइन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, दिस इज द, ये जो है आपका वो है उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इस रिएक्शन से भी हमें ये पता लगता है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं अगली रिएक्शन, वो है CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। देखते हैं CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, रिएक्शन नंबर थर्ड, ओके, ये सेकंड चल रहा था हमारा जिसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर भाग ले रहा था, अब हम रिएक्शन नंबर थर्ड पढ़ते हैं, CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, जिसमें CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, टूटता है। देखिए रिएक्शन नंबर थ्री, CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, हिंदी में CO बंध विखंडन अभिक्रिया, CO बंध विखंडन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, आपको CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, यानी कि वो सारी रिएक्शन जिनके अंदर हम CO बॉन्ड को तोड़ेंगे और उसके बाद उन पर कुछ एडिशन करेंगे, उन पर कुछ जोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो CO बॉन्ड ईथर के अंदर हम जानते हैं ROR होता है, तो वहां पर R यानी कि C
और ओ, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो मैं आपको बता देता हूँ यहीं, जब भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर तो माइनस आता है और कार्बन के ऊपर प्लस आता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बस प्लस माइनस का खेल है, CO बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। अब CO बॉन्ड कहां से टूटेगा, कैसे टूटेगा, कैसे जुड़ेगा, क्या उस पर ऐड करना है, इसके लिए हम पढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 1 जो है हेलोजनीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन का जुड़ना। ठीक है, तो बच्चों यहां बात करते हैं, सबसे पहले मैंने ईथर लिया, जो कि हम मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर के अंदर डाइएथिल ईथर की बात करते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले लिया है यहां पर डाइएथिल ईथर C2H5O C2H5। तो मैंने यहां पर इसको ब्रेक किया, देखो दोनों बॉन्ड इक्वल है, इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, यानी कि ये सममित ईथर है। कैसा ईथर है? सममित ईथर, ऐसा ईथर जिस पे ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान समूह हो, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसलिए आप कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, यहां दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा नहीं कि सर दोनों में से कौन सा बॉन्ड तोड़े, एज यू दोनों समान है, तो मैंने ये वाला तोड़ दिया, इसके ऊपर माइनस आएगा, कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। अब मुझे इसकी रिएक्शन करानी है HX के साथ, HX को हेलो अम्ल भी बोलते हैं, हेलोजन एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, हेलो एसिड, हेलोजन एसिड। तो बच्चों HX में H के ऊपर आएगा प्लस और X के ऊपर आएगा माइनस, ये हम सब जानते हैं, H के ऊपर प्लस और X के ऊपर माइनस। तो प्लस को तो जोड़ते हैं माइनस वाले के साथ और माइनस वाले को जोड़ते हैं प्लस वाले के साथ, बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो आपका ये माइनस वाला तो इस प्लस से जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा C2H5OH, ये बन गया, यानी कि इथाइल एल्कोहल, ये आपका बन गया इथाइल एल्कोहल। इसका मतलब एक तो बना एल्कोहल, दूसरा एक्स आपके पास जुड़ जाएगा इस कार्बन पर, ये एक्स आपका इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, तो आपके पास बन गया इथाइल हैलाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड। ओके, तो मैं इसको इथाइल हैलाइड लिख रहा हूं, यानी कि एल्काइल हैलाइड। तो एक बात तो बच्चों समझ में आ गई कि इस टाइप की रिएक्शन से एक तो एल्कोहल बनता है और एक हैलाइड बनता है, एक तो एल्कोहल बनता है और एक हैलाइड बनता है, यानी कि जब भी हम HX की रिएक्शन किसी ईथर से कराते हैं तो एक तो एल्कोहल बनता है और एक हैलाइड बनता है। तो चलिए अब मैं इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताता हूँ कि आखिर इसमें X की जगह आप क्या क्या ले सकते हो। तो X की जगह Cl आ सकता है, तो HCl बन जाएगा, Br आ जाएगा, I आ जाएगा, तो HCl, HBr, HI, इनकी क्रियाशीलता का क्रम मैं आपको बताता हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो HI सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl। इसलिए ज्यादातर रिएक्शनों में हम ईथर की रिएक्शन HI के साथ कराते हैं, क्योंकि HI जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। अब हम बात करते हैं कंडीशन की। सपोज मान के चलो इस HX की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि ये आधिक्य में हो, यदि इफ HX इन एक्सेस, एक्सेस का मतलब आधिक्य में, यदि HX आधिक्य में हो तो फिर क्या होगा? तो बच्चों जो हैलाइड बना है ना, ये एल्कोहल बना है ना, ये एल्कोहल फिर से HX के साथ रिएक्शन कर लेगा। भाई आपके पास दो कंपाउंड बने, एक तो बना एल्किल हैलाइड, एक बना एल्किल एल्कोहल, तो जो एल्कोहल है ना वो फिर से रिएक्शन कर लेगा आपके पास HX के साथ। तो ये रहा एल्कोहल, रिएक्शन किया HX के साथ दोबारा, तो आपको दिख रहा होगा वही अपना फंडा है प्लस और माइनस वाला, तो H2O बाहर निकल जाएगा, ये H2O निकल गया और दोबारा आपके पास हैलाइड बन जाएगा। यानी कि जब HX आधिक्य में हो तो केवल आपको एल्किल हैलाइड ही प्राप्त होता है, एल्कोहल वहां पर नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अगर मान लो अभी तो मैंने सममित ईथर लिया, अगर मैं असममित ईथर ले लूं, यानी कि ऐसा ईथर ले लूं जिसके दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, हम सब जानते हैं असममित ईथर या मिश्रित ईथरों के लिए, अब कौन सी विधि का यूज करेंगे असममित ईथरों के लिए या मिश्रित विधि ईथरों के लिए यूज किया जाती है? जीसल विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीसल विधि। हाइड्रोजन हैलाइडो का योग, हाइड्रोजन हैलाइडो का एडिशन ऑन द ईथर, ईथरों पर हाइड्रोजन हैलाइडो का एडिशन किससे, की कौन सी विधि से किया जाता है? जीसल विधि से। तो जीसल मेथड फॉर मिक्स्ड ईथर, मिक्स ईथरों के लिए जीसल मेथड। तो जीसल मेथड यूज करते हैं बच्चों, बड़ा ही सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना। देखो ये रहा आपका ईथर ROR, मान के चलता हूं मैं एक तरफ जो R दिया गया है वो 3 डिग्री एल्काइल है, एक तरफ R जो दिया गया है वो 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री एक तरफ है, एक तरफ 1 डिग्री है। अब क्या करें सर, HI का योग कराना है,
किस पर प्लस लगाए किस पर माइनस लगाए। मुझे ये तो पता है कि एक हैलाइड बनता है और एक एल्कोहल बनता है, तो किसको एल्कोहल बनाया और किसको हैलाइड बनाया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। आपके पास एक तो है 3 डिग्री एल्किल ग्रुप और एक है 1 डिग्री एल्किल ग्रुप, दोनों ऑक्सीजन पे जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, SN1 विधि यूज करनी है। ये विधि SN1 विधि, SN1 मेथड यहाँ पर लगेगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होगी और 1 डिग्री वाले को तो एल्कोहल बनाना है और 3 डिग्री वाले को हैलाइड बनाना है। ये बात ध्यान रखेंगे, जो 3 डिग्री वाला होगा वो तो एल्किल हैलाइड यानी कि उसमें तो आयोडीन जोड़ दोगे, और जो 1 डिग्री वाला होगा उसमें एच जोड़ के उसको एल्कोहल बना दोगे। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो 1 डिग्री वाला क्या बन रहा है, एल्कोहल, इसका मतलब यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा। अब देखो इस पर प्लस आ रहा है तो आयोडीन इससे जुड़ेगा तो 3 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड बन जाएगा और एच इससे जुड़कर 1 डिग्री वाला एल्कोहल बना दे। बड़ा सिंपल है, सीधा सा फंडा है, 3 डिग्री वाले को हैलाइड बना दो, 1 डिग्री वाले को एल्कोहल बना, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, अगर मान लो आपका एक तो है 2 डिग्री एल्किल ग्रुप और एक है 1 डिग्री एल्किल ग्रुप, तब क्या करें, तब मैकेनिज्म होगी SN2, पहले तो SN1 थी, अब मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2 होगी। छोटा समूह, अब मेरी बात को बोल रहे हैं, छोटा स्मॉल ग्रुप, दोनों में से जो भी स्मॉल हो, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में आता है सर दोनों तरफ 1 डिग्री हो लेकिन एक तरफ बड़ा हो एक तरफ छोटा हो तो क्या करें, तो स्मॉल ग्रुप छोटा समूह हमेशा हैलाइड बनाएगा, स्मॉल ग्रुप हैलाइड बनाएगा और लार्ज ग्रुप एल्कोहल बनाएगा। छोटा समूह हैलाइड बनाएगा, बड़ा समूह एल्कोहल बनाएगा, और अगर 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो 1 डिग्री वाला हैलाइड बनाएगा और 2 डिग्री वाला एल्कोहल बनाएगा। ये मेथड कहलाता है जीसल मेथड, जीसल विधि, ठीक है। तो अगर मिश्रित ईथर लिया जाए तो मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन के दोनों ओर 3 डिग्री तथा 1 डिग्री हो तो 3 डिग्री वाला एल्कोहल बनाता है और 3 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड बनाता है और 1 डिग्री वाला एल्कोहल बनाता है। जबकि अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर 2 डिग्री और 1 डिग्री हो तो 2 डिग्री वाला एल्कोहल बनाता है, 1 डिग्री वाला क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। मैकेनिज्म SN2 से होगी, इस मेथड को अपन जीसल मेथड कहते हैं। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो मैं एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। CH3CH CH3O CH2CH3। देखिए बच्चों, ये एग्जांपल लिया मैंने और इसकी रिएक्शन मैंने कराई HI के साथ। तो देखो इधर तो है आपके पास 2 डिग्री दिख रहा होगा आपको, दिस इज द 2 डिग्री एंड दिस इज द 1 डिग्री। तो हमें पता है एक तरफ 2 डिग्री एक तरफ 1 डिग्री आ रहा है, तो 1 डिग्री वाला छोटा समूह हैलाइड बनाएगा। इसका मतलब इससे तो अपन को ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और इस वाले बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे, देखो 1 डिग्री वाले को हैलाइड बनाना तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा। अब जोड़ दो आप, देखो 2 डिग्री वाला एल्कोहल बनेगा CH3CH CH3O। ओके ऊपर माइनस था तो तो इसमें से कौन आएगा, H प्लस वाला आएगा, तो प्लस वाला जुड़कर क्या बना लेगा, एल्कोहल। तो 2 डिग्री वाले ने क्या बनाया, एल्कोहल, और 1 डिग्री वाला क्या बनाएगा, इससे हैलोजन जुड़ जाएगा CH3CH2I, इससे आयोडीन जुड़ जाएगा, तो इथाइल आयोडाइड और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनेगा। इस तरीके से आपको जीसल मेथड को अप्लाई करना है और अगर मिश्रित ईथर आपको दे दिया जाए तो HI का इस प्रकार से आपको योग कराना है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, इसी में CO बॉन्ड क्लीवेज की, ये फर्स्ट रिएक्शन थी हैलोजिनेशन हैलोजनीकरण, अब है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, वाटर हाइड्रोलाइसिस। सेकंड रिएक्शन वाटर हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन। तो चलिए अगली रिएक्शन है अपनी जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलाइसिस। सेकंड रिएक्शन है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। ईथर भी कौन सा लेंगे, हम डाइएथिल ईथर लेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे तो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हम यहां पर H2O लगाएंगे, दिस इज द ईथर C2H5O C2H5। हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं इसका मतलब एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, और इसके लिए हम हाई प्रेशर भी लगाएंगे, हाई प्रेशर लगाएंगे। तो जब हाई प्रेशर होगा तो देखो H2O में H और OH होता है हम सब जानते हैं, ब्रेक करो कहीं से भी, ये माइनस ये प्लस,
तो इस पर OH जुड़ जाएगा, इस पर H जुड़ जाएगा, तो दो मोल आपको इथाइल एल्कोहल ऑक्टेन होते हैं C2H5OHCl। आप लगा सकते हो, देखो H और OH यहाँ तो जुड़ेगा OH और यहाँ जुड़ेगा H, H2O, H2O को जब भी ब्रेक करते हो तो H और OH मिलता है, H प्लस होता है, OH माइनस होता है, और ये हम जब ब्रेक करते हैं इस बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं तो इधर H जुड़ जाएगा, इधर OH जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको एग्जाम में नहीं करके दिखाना होता है, एग्जाम में हम डायरेक्ट करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें कभी भी। ठीक है, तो आपको दो मोल C2H5OH मिल जाएगा। रिएक्शन नंबर तीन, ये था जल अपघटन, और रिएक्शन नंबर तीन है अपचयन यानी कि रिडक्शन। रिडक्शन भी हम सब जानते हैं, रिडक्शन बहुत ईजी है, बॉन्ड को तोड़ो और आजू बाजू हाइड्रोजन जोड़ो। तो यहाँ पर रिडक्शन दो तरीके से हो जाएगा, एक टाइप तो पूरी तरीके से रिडक्शन करवा दे, ठीक है, रिडक्शन के लिए एक टाइम तो मैंने लिया लिक्विड अमोनिया के अंदर हम रिडक्शन करा रहे हैं। तो लिक्विड अमोनिया में आपको देखो बच्चों दो हाइड्रोजन, लिक्विड अमोनिया और साथ में सोडियम मेटल यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो दो एच हम यहाँ पर यूज करेंगे, H2, तो दो एच यूज करेंगे। तो कहीं भी करो, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ो, सिंगल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हाइड्रोजन जोड़ो। तो जैसे आप आजू बाजू हाइड्रोजन जोड़ोगे तो एक तरफ तो मिला आपको C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल, और एक तरफ मिल जाएगा C2H6 यानी कि एथेन। एक तो मिलेगा आपको एथेन एल्कोहल और एक मिलेगा एथेन, ठीक है, क्योंकि अभी आपने केवल दो एच जोड़े हैं, एक इधर और एक इधर। लेकिन अगर आपको मैं दे दूं कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे लाल फॉस्फोरस HI दे दिया, ये तो एक पहली हो गई। दूसरी C2H5O C2H5, अब मैंने यहां आपको दे दिया लाल फॉस्फोरस यानी कि रेड फॉस्फोरस प्लस 4HI या फिर HI दे दिया मैंने, तो जो HI होता है ये 4 हाइड्रोजन आपको प्रोवाइड करवाएगा। कितना हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा? 4 हाइड्रोजन आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो 4 हाइड्रोजन कैसे प्रोवाइड होंगे? एक इधर, तो HH, इसी तरह HH, दोनों तरफ HH मिलेगा। देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक एक एच, सिंगल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हाइड्रोजन जोड़ो। ये सिंगल टूटा, एक एक हाइड्रोजन लिया जुड़ा, ये वाला सिंगल टूटा, एक एक हाइड्रोजन लिया जुड़ा, तो बीच में क्या निकला आपके पास? H2O। तो दो मोल तो आपको मिल गए C2H6, देखो C2H6 कितने मिलेंगे? दो मोल एथेन मिल जाएंगे। क्या बाहर निकलेगा? H2O। दिस इज द कंप्लीट रिडक्शन, ये कंप्लीट रिडक्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला है एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड 4, इसी में चल रहा है अभी, फोर्थ है रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। ये भी आप करा सकते हो, बिल्कुल इजी है, एसिटिल क्लोराइड के साथ यानी कि रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। तो बच्चों एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, पहले मैं इधर बना रहा हूं C2H5O C2H5। आप इसकी एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे, तो जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम सब जानते हैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, दिस इज द माइनस एंड दिस इज द प्लस, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इधर से आप कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, ये माइनस और ये प्लस, कुछ नहीं करना, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से जोड़ देना है। और ये जो रिएक्शन होती है ये बच्चों होती है ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में, ड्राई यानी कि निर्जल, शुष्क निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो माइनस वाले के साथ प्लस वाला जोड़ना है, तो आपके पास बन जाएगा C2H5Cl एथिल क्लोराइड, साथ में आपके पास बनता है C2H5O C double bond O CH3 यानी कि एस्टर बनता है, एस्टर C2H5O C double bond O CH3 एथिल एसिटेट, क्या नाम है इसका? एथिल एसिटेट और एथिल क्लोराइड आपको ऑब्टेन होता है, जिनके नाम मैं आपको पहले भी कई रिएक्शनों में करा चुका हूं। रिएक्शन नंबर 5 एसिटिल क्लोराइड के साथ होने के बाद आता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये भी आप करा सकते हो बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड
तो एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराए, बड़ा ही सिंपल है, देखेंगे C2H5O C2H5, दिस इज द डाइएथिल ईथर, इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये रिएक्शन भी ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में होगी, ड्राई ZnCl2। और देखो किस तरह करानी है, यहां से तो बॉन्ड ब्रेक करते ही है, एक पर माइनस एक पर प्लस सबको पता है, यहां भी कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक पर माइनस और एक पर प्लस, और दोनों को ऐड करो, जोड़ो, माइनस वाले पर प्लस वाला जोड़ोगे यहां भी एथिल एसीटेट बनेगा, और इधर भी जोड़ोगे तो यहां भी एथिल एसीटेट बनेगा, यानी कि 2 मोल आपके पास बन जाते हैं एथिल एसीटेट, 2 मोल आपके पास एस्टर बनते हैं, जिसको अपन एथिल एसीटेट कहते हैं, दिस इज द एस्टर, तो यहां से भी एस्टर बना सकते हो। तो बच्चों ये रिएक्शन हो गई है आपकी, वो सारे रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड टूटता है। अब लास्ट हम पढ़ते हैं अदर केमिकल रिएक्शंस, नंबर 4 अदर केमिकल रिएक्शन, और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका लास्ट में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अदर केमिकल रिएक्शन में केवल 2-3 रिएक्शन आपकी बुक में गिवन है, जो आपको एज इट इज ऐसे की ऐसे लर्न करनी है और उनको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों, कि इधर अदर कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। तो पहली रिएक्शन शो करता है अदर केमिकल रिएक्शन, नंबर 4 में पढ़ रहे हैं, चौथे नंबर की रिएक्शन में पढ़ रहे हैं अदर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, अन्य अभिक्रिया है। तो अन्य अभिक्रियाओं में पहली आती है, सबसे पहली अन्य अभिक्रियाओं में आती है निर्जलीकरण, यानी कि डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, ये हम एल्कोहलों का कराया था, वैसे यहां पर ईथर का होगा, इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यहां पर कराना है ईथर का, तो C2H5O C2H5। देखिए अगर आपको याद हो तो एल्कोहल को हम एल्यूमिना पर फ्लो कराते हैं, इसी तरह ईथर की वेपर को भी या ईथर को भी जब हम एल्यूमिना पर फ्लो कराते हैं Al2O3 653 केल्विन, 653 वहां पर हमें लगभग 573 के समथिंग केल्विन था और यहाँ पर 673 केल्विन है। तो अगर ईथर को इस एल्यूमिना पर फ्लो कराते हैं तो आपको 2 मोल एल्कीन ओथेन होता है और यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है C2H4, कितना 2 मोल, 2 मोल आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 निकलता है और साथ में आपका H2O बाहर निकलता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब ये एथीन बना, आप कहो सर यहाँ पर आइसोप्रोपिल होता तो भी आपके पास एल्कीन बनता है, इट मींस इस रिएक्शन से आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है इधर से, और जो भी आपको ग्रुप दे रखा हो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। एथिल था तो एथीन बन गया, प्रोपिल होगा तो प्रोपीन बन जाएगा। तो यहां पर ये रिएक्शन है जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। सेकेंड रिएक्शन है कंबंशन या रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाले लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, यानी कि रिएक्शन विद CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो बड़ी ही सिंपल तरीके से इस रिएक्शन को कराएंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीका है, ये रहा आपका ईथर C2H5O C2H5, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं। अच्छा ये रिएक्शन लैविस एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो कोई सा भी लैविस एसिड आप यहाँ पर ले सकते हो, मैंने यहाँ लिया है BF3, ठीक है, और यहाँ पर 500 ATM प्रेशर होगा, 500 ATM प्रेशर होगा और 353 से लेकर 423 केल्विन टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर बेस रिएक्शन है, 353 से लेकर 423 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो इस CO ग्रुप को आप इन दोनों के बीच में कहीं भी एडजस्ट कर दो, सीधा सीधा CO यहाँ पर एडजस्ट, C होता है C डबल बॉन्ड O, इसको इन दोनों के बीच में यहाँ या यहाँ कहीं भी एडजस्ट कर दो, आपका बन जाएगा देखो C2H5 C डबल बॉन्ड O O C2H5, दिस इज द एथिल प्रोपियोनेट आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, इसको बोलते हैं इथाइल प्रोपियोनेट, ठीक है इथाइल प्रोपियोनेट। तो नेक्स्ट रिएक्शन लास्ट एंड फाइनल वो है दहन, दहन को इंग्लिश में बोलते हैं कंबशन, कंबशन, ठीक है ना।
दहन यानी कि जलाना, और किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो C2H5O C2H5। जब इस ईथर को जलाया जाता है, ऑक्सीजन सफिशियंट लेते हैं, तब आपके पास 4 मोल CO2 बनता है और साथ में H2O बनते हैं 5 मोल। कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जब जलाते हो, बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बच्चों वहां पर दो ही सब्सटेंस मेन होते हैं जो बनते हैं, एक तो CO2 और एक H2O। यहां पर 4 मोल CO2 बनेंगे क्योंकि 2 और 2 4 कार्बन है, तो एथेन बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है, ये आपको बैलेंस करके लिखनी है। तो बच्चों ये 3 रिएक्शन है जो आपकी बुक में गिवन है, ये एक्स्ट्रा है जो इधर शो करते हैं इन सब रिएक्शनों के अलावा। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी आज फिनिश हो गया है इधर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।